हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं द रियल फैन पार्थ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन तो लोहे की होती है, फिर भी उसमें आग कैसे लग जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से जाके भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से पहले, यानी कि ट्रेन में आग कैसे लगती है, उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आग लगती कैसे है। दोस्तों, आग तीन चीज़ों के मिलने से बनती है। पहला है हीट, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है फ्यूल। ये तीन चीज़ें एक ट्राइंगल है और जहाँ पर भी ये तीन चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर आग अपने आप लग जाती है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम इसमें से किसी भी एक चीज़ को हटा दें, यानी कि कट कर दें, तो आग अपने आप ही उसी टाइम बुझ जाएगी। तो आपने ये तो जान लिया कि आग लगती कैसे है और बुझती कैसे है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन में आग लगती कैसे है। दोस्तों, ट्रेन में आग लगने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेक वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट, पेंट्री कार में गैस लीकेज होना और भी कई कारण। अगर हम बात करें ब्रेक बाइंडिंग की, तो ब्रेक में प्रॉब्लम होने के कारण ब्रेक स्विच व्हील से घिसते रहते हैं, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन खुली हवा से मिलता है और ब्रेक स्विच में लगे रबड़ उसमें फ्यूल का काम करते हैं। तो आपने ये जाना कि ब्रेक बाइंडिंग से आग कैसे लग सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट की या फिर पेंट्री कार की, तो इस तीन चीज़ों के कारण भी वहां से आग लग सकती है। और चलती ट्रेन में और तेज़ हवाओं के संपर्क में आने से ये आग और भी बड़ा विशाल रूप ले लेती है। दोस्तों, क्योंकि ट्रेन की सीट्स लेदर की बनी होती हैं और उनके इंटीरियर वुडन प्लाई का होता है और बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेन के अंदर यूज़ की जाती है, वो सब मिलकर फ्यूल का काम करते हैं और इस वजह से आग पूरी ट्रेन में फैल जाती है। इस वजह से आपने अगर किसी जली हुई ट्रेन के कोच को देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि बाहर का जो लोहा होता है वो नहीं जलता, बल्कि उसके अंदर का इंटीरियर वो पूरी तरीके से राख हो जाता है। इस तरह से लोहे की बनी रेलगाड़ी में आग लोहे में नहीं लगती, बल्कि उसके इंटीरियर में लगती है, बल्कि उसके अंदर लगे ज्वलनशील पदार्थ में लगती है, यानी कि जो ट्रेन के कोच का इंटीरियर होता है उसमें लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आग लोहे में क्यों नहीं लगती। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जो लोहा होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने करीब होते हैं कि उसमें एयर नहीं जा पाती और उसमें आग नहीं लग पाती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।